नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा स्वागत करता हूं आपका देवभूमि मेरा चैनल में। और ये देखिए, ये वीडियो मनी महेश का है दोस्तों। यहां पर रास्ता जो है वो टूट चुका है, यात्री फंस चुके हैं, हाई अलर्ट जारी है। भरमौर से यात्रा जो है मनी महेश, उसको रोक दिया गया है। और यहां पर देखिए, साईं राम कॉलेज ऑफ फार्मेसी को गिरते हुए आप देखेंगे। हिमाचल में है इस वक्त, हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो हिमाचल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, तबाही की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पूरे की पूरी बिल्डिंग कुछ ही क्षणों में गिर गई। दोस्तों ये देखिए, एक और मंजर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कितना खतरा है। और लोग इस ब्रिज को पार कर रहे हैं, लोग इस पुल को पार कर रहे हैं। हम इनकी बेवकूफ़ी कहें या समझदारी कहें, व्यास नदी अपने विकराल रूप में है। रोहडू का ये पुल किसी भी वक्त ताश के पत्तों की तरह गिर सकता है, बह सकता है। ये देखिए दोस्तों, पानी लगभग पूरी फोर्स से पुल से टकरा रहा है। चलिए दोस्तों, थोड़ा आगे चलते हैं। और ये देखिए, ये है पंडोह डैम। इस वक्त पंडोह डैम जो है वहाँ से पानी छोड़ दिया गया है और खतरा जो है वो हर तरफ बना हुआ है। दोस्तों इस पानी का तेज देखिए, इस पानी की फोर्स देखिए। यही कारण है कि प्रशासन ने हर तरफ हाई अलर्ट जारी किया है कि नदी, नालों और खड्डों के नज़दीक ना जाएं। बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पहाड़ पानी की इस ताकत के सामने कहीं से खड़े नहीं बैठते। सबको ले जाने की ताकत रखता है, सबको डुबोने की ताकत रखता है, सब कुछ तबाह करने की ताकत रखता है। और इसकी ताकत, इसकी फोर्स ये हम देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, निचले इलाकों में इस पानी का स्तर जिस हिसाब से बढ़ा है, उस हिसाब से काफ़ी नुकसान लोगों को झेलना पड़ा है। ये देखिए दोस्तों, अब ये नज़ारा देखिए, हम आपको शहर की तरफ लेके जाते हैं। ये है हमीरपुर घुमारवी रोड, और यहाँ पर प्रशासन की पोल खुली है क्योंकि पानी की निकासी ही कहीं नहीं है। सड़क के ऊपर पानी आ चुका है और कहीं से नहीं लगता कि यह नेशनल हाईवे की कोई सड़क होगी। और ये हाल हर शहर में है। प्रशासन इस पर क्या संज्ञान ले रहा है ये तो वही जानता है, लेकिन यह रोड भी किसी वक्त भी दुर्घटना का कारण जो है वो बन सकता है। यह नाले में तब्दील हो गया है दोस्तों। ये देखिए, स्कूटर गाड़ियां बहुत परेशानी। और इसके बाद हम माता चमुंडा जिला कांगड़ा में पहुंच गए हैं और वहां का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। और ये खड्ड देखिए, अपना विकराल रूप दिखा रही है। ये किसी भी नदी से कम नहीं लग रही दोस्तों, और किसी भी चीज़ को बहाने का मादा रखती है। आज हम आपको यही संदेश दे रहे हैं, आज हम आपको यही बता रहे हैं कि कुछ दिन तक जो प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है, उसकी हम रिस्पेक्ट करें, उसकी हम कद्र करें, ना कि नदी नालों के पास जाकर फ़ोटो खिंचवाएं, उन्हें नज़दीक से भी देखें। इससे कोई भी अप्रिय घटना हमारे साथ घट सकती है दोस्तों। दोस्तों सिर्फ हमारा एक ही मकसद है कि आप सब इस चीज़ को जानें कि कुदरत के साथ जो हम छेड़खानी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। अगर हम कुदरत की इज्जत करेंगे तो कुदरत हमारी इज्जत करेगी। आप हमसे जुड़े, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देवभूमि प्रणाम।